तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जेब्रोनिक डियोड्यूक बार 9400 बोट अवंते बार 3150 डी में देखते हैं किस में कितना है दम। तो आज हम कुछ मेन टॉपिक हैं जिनको हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे आउटपुट डिज़ाइन की, और नंबर थर्ड पर बात करेंगे हम कनेक्टिविटी की, और नंबर फोर्थ पर बात करेंगे हम साउंड क्वालिटी की कि कैसे क्या साउंड क्वालिटी, और नंबर फिफ्थ पे हम बात करेंगे कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब में। बात करेंगे चैनल की, तो ये दोनों साउंड बार का जो चैनल है वो 5.1 देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे आउटपुट के बारे में। जेब्रोनिक में आपको 225 वाट का साउंड बार देखने को मिलेगा, 75-75 वाट के लेफ्ट राइट सराउंड चैनल, और वहीं 150 वाट का सबवूफर। इसमें बात करें अगर टोटल आउटपुट की, तो इसमें आपको टोटल आउटपुट 525 वाट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम वहीं बोट की बात करें तो बोट में आपको 200 वाट का साउंड बार और सराउंड चैनल देखने को मिलेगा, और 60 वाट का सबवूफर। टोटल आपको इसमें 260 वाट का ही आउटपुट देखने को मिलेगा। 525 वाट कुछ ज़्यादा हो गया, 260 वाट तो मतलब कि नॉर्मल सा है, बट फिर भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर सेकंड पे आते हैं बिल्ट एंड डिज़ाइन पे। बात डिज़ाइन की करें तो दोनों देखने में काफ़ी प्रीमियम और ग्लासी लगते हैं। इन दोनों साउंड बार में 2.25 इंचेस के 3-3 स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे, और सबवूफर में आपको 6.5 इंचेस के ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे। तो अब आते हैं इसके नंबर थर्ड पॉइंट पे, जो कि कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करें अगर इसके कनेक्टिविटी में, तो दोनों ही साउंड बार में आपको HDMI, ARC, ऑप्टिकल, USB ऑक और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे HDMI का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल पास होते हैं, जिससे कि आपको सिनेमा का एक्सपीरियंस हो सके, है ना। अगर हम बात साउंड क्वालिटी की करें तो बोट की लाउडनेस एज कंपेरेटिवली टू जेब्रोनिक्स ज़्यादा है, लेकिन अगर वहीं पे हम बात अगर बेस की करें तो जेब्रोनिक का बेस काफ़ी धमाकेदार है। क्योंकि देखो यार, आउटपुट उसमें कम है उसमें ज़्यादा है ना, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ जाता है। ये एकदम आपको वाइब्रेशन जैसा फील करा देगा जेब्रोनिक्स, और इन दोनों में ही आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस इनका आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन बोट में आपको एकदम फुल वॉल्यूम करने पर जैसे करकराने की आवाज़ आती है, जैसे मतलब कि कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, बट ऐसा जेब्रोनिक्स में बिल्कुल भी नहीं। बहुत से साउंड बारों में आपने देखा होगा फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन जैसा फील होता है, बट इसमें ऐसा जरा भी नहीं है। आपको इसमें LED डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगी, आपको इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल मिलेगा, जिससे कि आप इक्वलाइजर मोड को स्विच कर अलग अलग मूवीज, म्यूजिक, न्यूज और 3D का एक्सपीरियंस आप घर बैठे कर पाएंगे, जो कि यार एक्चुअली वर्क करता है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू में ही दिए गए हों, ये वर्क करते हैं। जब इसमें आप कोई चीज़ नॉर्मल मोड पे सुनेंगे, और जब आप कोई मोड इसमें एक्टिवेट करके सुनेंगे, TV जैसे न्यूज हो गया, मूवी हो गया, म्यूजिक हो गया, तो उसमें एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। ये सही में काम करता है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है।
उसके कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आपको आवाज तेज और बेस कम पसंद है तो आप बोट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आप बेस को ज्यादा पसंद करते हैं तो फिर जेब्रोनिक की तरफ जाना चाहिए। इन दोनों में वोकल की बात करें तो बहुत ही क्लियर है, काफी डिटेल्ड साउंड करते हैं। कुल मिलाकर इसमें दोनों सेम है इस मामले में तो, लेकिन डॉल्बी की बात करें तो उसमें जेब्रोनिक्स का लेवल ज्यादा हाई है बोट से, क्योंकि इसमें आपको बहुत इमर्सिव साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। बोट को हम बुरा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इन दोनों का ऑडियो लैग फ्री है और जेब्रोनिक्स ऑडियो सिस्टम से आप मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके प्राइस में कुछ खास अंतर नहीं है, जेब्रोनिक्स जो आएगा वो आपका 15,000 रुपए के आसपास तक का पड़ जाएगा और जो बोट का है वो आपको 14,000 के आसपास तक का पड़ जाएगा। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसका प्राइस जो है ऊपर नीचे हुआ करता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में रिव्यू किया है इसकी क्या क्वालिटी है और कैसे कैसे फीचर्स हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, बट ये अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई देखो सभी की चॉइस जो है वो सेम तो होती नहीं है, है ना। किसी को बेस पसंद है, किसी को लाउडनेस पसंद है ना, तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो यार, सब्सक्राइब बहुत कम करते हो।